वेलकम टू वंदितास किचन अगेन। और आज मैं आपके लिए लाई हूँ ब्रेड पकौड़ा। ब्रेड पकौड़ा तो सभी ने खाया होगा, लेकिन एज यू ऑल नो आई एम गोइंग टू डू समथिंग डिफरेंट इन माई ब्रेड पकौड़ाज। सो क्या करने वाली हूँ देखें। तो सबसे पहले हम ब्रेड लेंगे। मैंने यहाँ पे ब्रेड को शेप देना है, तो मैं कटोरी से ब्रेड का शेप दूंगी, लाइक अ डोनट कटोरी एंड अ स्मॉल रिंग, लाइक बिग राउंड एंड स्मॉल राउंड। सो हियर वी गो, दबा दे कटोरी से एंड आपका ये साइड निकल जाए। अब आपका बीच में ये दबा ले। दिस आपका डोनट शेप रेडी हो गया, राइट? इस तरह से आपकी सारी ब्रेड्स को आप इस तरह से काट लें। इस तरह से आप ध्यान रखें कि आपके साइड के जो पोर्शंस हैं वो इक्वल हो, नहीं तो एक जगह पतला एक जगह मोटा, इट वोंट लुक गुड। अब हम हमारे डोनट्स का बैटर बनाना शुरू करते हैं। सो हमें चाहिए बेसन, तो हमने एक कप बेसन लिया हुआ है। इसे आप छान लें, छानना ना भूलें क्योंकि इसमें गुल्ठियाँ होती है और वो गुल्ठियाँ फिर आपका स्मूथ बैटर नहीं बना पाते। सो इसमें हम डालेंगे एक टेबलस्पून जितना राइस फ्लोर, चावल का आटा। इससे आपका बैटर क्रिस्पी बनेगा। इसमें हम डालेंगे आधा चम्मच बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा से आपका बैटर एकदम फ्लफी और क्रिस्पी बनेगा। दैट्स इट, आपका सीव होना खत्म। अब हम इसमें थोड़ा सा सीजनिंग डालेंगे। सीजनिंग के लिए चाहिए एक छोटी चम्मच मिर्ची, मैंने रेगुलर चिली पाउडर लिया है जो थोड़ी सी तीखी है, और इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा नमक। सो नमक आपके स्वाद अनुसार ही डालिए। इसमें धीरे धीरे पानी डाल के इसका घोल बनाएं। घोल आपका ना तो ज़्यादा पतला होना चाहिए ना ही गाढ़ा। सो अब ये घोल रेडी है। हमारा ब्रेड जो हमने काट लिया है डोनट के शेप में, सो इसमें हम लगाएंगे चटनी। आप कोई भी चटनी ले सकते हैं, कोई फिलिंग आपको रखना है जैसे आलू की फिलिंग, आप वो भी कर सकते हैं। हल्के हल्के से लगाइए। अब दूसरा ब्रेड इसके ऊपर। ये हो गई हमारी एक डोनट रेडी। इसको हम करेंगे फ्राई। इस तरह से हम सारे डोनट को चटनी में लगा लेंगे। डोनट्स हमने फिल कर लिए हैं, राइट? अब हम इसे बैटर में डुबाएंगे। इफ यू सी, अच्छे से दोनों तरफ डुबाना है, अंदर तक इसका बैटर जाना चाहिए, और धीरे से उठा के इसे आपको आपके तेल में डालना है। हल्के हाथों से इसे आपको दूसरी तरफ घुमाना है। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल एंड इसी तरह हम बाकी सारे डोनट्स को भी इसे तल लेंगे। चारों ओर से आपका डोनट कवर होना चाहिए तो ही अच्छा शेप आएगा।
टोंग की हेल्प से आप इसे पलट सकते हैं। तो हमारे गरम गरम डोनट्स रेडी हो चुके हैं, ब्रेड पकौड़ा डोनट्स, राइट। अब हम इसे डेकोरेट करते हैं ताकि ये और ज़्यादा इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग रहे। सो आई हैव दिस मेयोनीज, हम मेयोनीज पहले लगा देते हैं। सो यहाँ हम चिली सॉस का करते हैं, सो दो अलग फ्लेवर आपका हो जाएगा। अनियंस हल्के हल्के से, और रेड और येलो पेपर्स, ये हमारा एक डोनट। रेड के ऊपर सिर्फ येलो एंड अनियंस, राइट। एंड ये हमारा डोनट रेडी। इजंट इट इंटरेस्टिंग। और ये आप सर्व करिए विद कोई भी चटनी, या तो आप सेम चटनी लगा सकते हैं, केचप ले सकते हैं, या कोरिएंडर हरी धनिया की चटनी लगा सकते हैं। सो इट्स रेडी। तो आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ हमें हमारे कमेंट सेक्शन में बताइए। और नेक्स्ट टाइम हम फिर हाजिर होंगे विद सम लवली रेसिपीज विद अ ट्विस्ट। टेक केयर एंड गुड बाय।